तो समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसते नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन वहीं आपको बता दें, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जालौन में जनसभा की और यहां बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग गर्मी निकाल रहे हैं वो पहले चरण में ठंडे पड़ चुके हैं। तीसरे और चौथे चरण के बाद जो मतदान होगा उसके बाद दूसरा शतक भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में लग जाएगा। और जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, वो पहले चरण के बाद ही ठंडे पड़ गए उनके समर्थक और नेता। और अभी मैं हमीरपुर आया था, झांसी के कार्यक्रम मैंने किए थे, अभी आपके बगल में कार्यक्रम करके गया हूं मैं हमीरपुर, महोबा और झांसी। जो समर्थन मिला है उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ चुके हैं। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय जो जानवर है, बताओ टक्कर मार करके लोगों की जान ले रहा है कि नहीं ले रहा है। कल मैं फिरोजाबाद में था, एक पिता और पुत्र खेत की रखवाली के बाद अपने घर आ रहे थे लौट करके, सांड ने उन्हें सींग मार करके वहीं पर मार दिया। मैनपुरी गया तो वहां पर मार दिया, और जालौन झांसी कहीं पता कर लो और बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश का हिसाब किताब लगा लो, न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है केवल सांड के ही वजह से और अन्य जानवरों की वजह से, एक्सीडेंट होकर के न जाने कितनों की जान चली गई। न केवल ये सरकार गौशाला के नाम पर पैसा लूट रही है, गौशाला में भूखी हमारी गाय मां, बताओ भूखी है कि नहीं है। और हजारों करोड़ रुपया आया है लेकिन वो रुपया पता नहीं कहां चला गया। अगर एक नेता इनका महंगाई पे बोल रहा हो, गैस के सिलेंडर पे बोल रहा हो, अन्न जानवरों पे बोल रहा हो, और जो पढ़ाई की दुर्दशा हुई है कोरोना के समय पर, हमारे बच्चों की, आने वाली पीढ़ी की, भविष्य की पूरी शिक्षा बर्बाद कर दी इन्होंने, बताओ बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई शिक्षा। और जिस समय बीमारी आई थी हम और आप लोग बीमारी के हर पालन कर रहे थे, बाबा जी कह रहे हैं हमने तो 70 लाख से ज्यादा नौकरी दे दी है और 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। बताओ माधवगढ़ के लोगों, किस नौजवान को नौकरी और रोजगार मिल गया आप में से? बताओ यहां पर किसको रोजगार मिल गया? कहां नौकरी दे दी?